वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे फॉर अ नेक्स्ट वीक एंड अ मंडे। सो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी एनालिसिस फर्स्ट। सो आप यहां पे देख सकते हो, ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। तो हमने ऑलरेडी लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि निफ्टी मूव करेगा तो वो यहाँ तक जा सकता है, दैट इज अराउंड 10,503। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल निफ्टी की वैल्यू 11,410 के अराउंड है। अब आप नेक्स्ट वीक के लिए आप ये सिनेरियो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है। ओके, तो अगर इसको ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया, ये जो लास्ट फ्राइडे का जो हाई है उसके ऊपर से स्टार्ट किया ट्रेडिंग, तो वो 11,507 तक जा सकता है। ओके, और उसके बाद अराउंड 10,600 तक वो जा सकता है। ओके, और इफ अ गुड रैली और गुड मोमेंटम, देन जो अभी तक का जो हाई है 794, वहां तक वापस वो जा सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट लेवल है, दैट इज दिस वन। अगर ये ब्रेक हुआ देन वी कैन सी फर्दर रैली अप टू दिस पॉइंट। ओके, सो फिलहाल वो अभी ये लेवल टेस्ट करेगा हाई फर्स्ट, ये सेकंड और उसके बाद ये थर्ड, और उससे पहले ये तीन लेवल से पहले ये ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी। अगर ये ब्रेक नहीं हुई तो वापस हम यहाँ तक आ सकते हैं। सो डाउन साइड पे अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पे ये गैप अप ओपनिंग है। ओके, सो पहला सपोर्ट ये, सॉरी, गैप अप ओपनिंग है, तो हमारा ये पहला सपोर्ट ये रहेगा डाउन साइड, दैट इज अराउंड 11,300। अगर वो ब्रेक हुआ तो हम श्योरली यहाँ तक जा सकते हैं 11,200 और 189 तक। तो ये दो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउन साइड, और यहाँ पे भी एक गैप क्रिएट की है। ओके, सो वो टेस्ट करने के लिए वापस जा सकता है अगर फर्दर बैड न्यूज आई मार्केट में, तो दैट इज 11,100 और 11,750। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, सो डाउन साइड ये आप ये सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो पोजिशनली 10,183, 300 and 11,082। ओके, तो ये तीन सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो, और मेन सपोर्ट आपका ये है जो टेस्ट करने नहीं जाएगा अभी, 10,860। ओके, अगर वो और अपर साइड ये रेजिस्टेंस है और गुड लेवल है, आप कंसिडर कर सकते हो 11,514। ओके, 600 and 11,000 हमारा जो अभी तक का हाई है वो, दैट इज 11,798, मीन्स आफ्टर लॉकडाउन का जो हाई है वो। तो ये रैली वो ये हाई वो टेस्ट करने के लिए जा सकता है। आप RSI भी एक बार देख सकते हो, तो वो अभी इंक्रीज हो रहा है, वंस डाउन के बाद अगेन वो 60 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। सो अभी उसकी वैल्यू अराउंड 54 है, तो वो RSI 60 को भी क्रॉस किया तो फर्दर मोमेंटम कैन बी पॉसिबल। ओके, अगर हम इंट्राडे की बात करें, 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट एक बार ओपन करें, ओके, तो आप देख सकते हो ये मैंने डिस्कस किया था चैनल में है, चैनल के इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। ओके, अब आप ये ट्रेंड लाइन आपकी जो अगर इंट्राडे पे आप कर रहे हो, तो एक बार यहाँ पे आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो 11,295, क्योंकि ये अगर डाउन साइड ट्रेड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ पे, या फिर ये चैनल का लोअर है वहाँ पे एक बार वो सपोर्ट लेगा जरूर 15 मिनट का, इसलिए। ओके, ये जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो चैनल में फंसा था रेक्टेंगल, ओके, 15 मिनट के गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ तक हम गए, तो वापस डाउन आएगा तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा, या फिर ये चैनल का लोअर एंड है वहाँ पे, रेक्टेंगल बॉक्स का ये लोअर है वहाँ पे वो सपोर्ट लेने की ट्राई करेगा। ओके, तो ये लेवल इंट्राडे के लिए आप एज ए सपोर्ट और बैंक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, और ट्रेडिंग अगर ये ब्रेक हुआ तो आप, मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है, इंट्राडे में 11,505, 505, 540 और 578 तक हम जा सकते हैं अगर इसको ये ट्रेंड लाइन वो ब्रेक किया तो। ओके, फर्दर 100 पॉइंट पॉसिबल। डाउन साइड पे यहाँ पे सपोर्ट के बारे में सोच सकते हो अभी, या फिर यहाँ पे आपको रिवर्सल साइन मिले तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ओके, ये ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की, यहाँ पे ऐसे रिवर्सल साइन मिले तो आप एक बार सेल कर सकते हो। ओके, सो ये इस हिसाब से आप 15 मिनट पे और 5 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप एंट्री और एक्सिट ले सकते हो। मैंने आपको इम्पोर्टेंट लेवल आपको बता दिए। आप देख सकते हो पेमा में ब्यूटीफुली गैप अप ओपनिंग के बाद वो अपर गया, फिर यहाँ पे आया और यहाँ पे देखो सपोर्ट ले रहा है। सो अगर आपने यहाँ पे भी, इस पॉइंट पे भी अगर आपने एंट्री ली होगी, ये कैंडल पे 11,403, तो हमें 30 पॉइंट आराम से मिल जाते।
सकती है, लेकिन अगर नहीं ली फिर भी नो प्रॉब्लम, आप एक बार अपॉर्चुनिटी फाइंड करो कि जब भी ये पैमा के नज़दीक ग्रीन एरिया में आए तो वहाँ पे एक बार बाय करके चलो विथ स्टॉप लॉस। ये कैंडल का लो बिलो करके आप स्टॉप लॉस कर सकते हो कुछ 0.3 या 0.5% एंड बिलो दिस लाइन, वो आप स्टॉप लॉस रख के आप चल सकते हो, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो गुड पैमा बेस्ड इंडिकेटर और यू कैन से सपोर्ट। उसी लेकर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे आप ग्रीन हो रहा है, रेड टू ग्रे हो रहा है, तो इसके ऊपर आप बाय करके चलोगे। ओके, आप देख सकते हो 15 मिनट में आपका ये मेन आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो वापस हम 11,500-11,600 तक जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें, ये मैंने निफ्टी का 10 अक्टूबर की एक्सपायरी ओपन की है, तो ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से आप देख सकते हो मेन सपोर्ट पुट में कहाँ पे है। ओके, दैट इज 4,11,400 पे है, 32,11,350 पे है, और उसके बाद 300 पे अराउंड 36 लाख। ओके, तो यहाँ पे पुट राइटर्स ज़्यादा है, तो आपको श्योरली ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आप कॉल राइटर आप देख सकते हो कहाँ पे सबसे ज़्यादा, वी डोंट से अबाउट दिस कॉल राइटिंग बेस्ड, सो आप ये कंसिडर कर सकते हो 11,500 जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग होगी 42 लाख की। ओके, फिर 11 लाख एंड 19 लाख से 550 अराउंड 600 के अराउंड। ओके, तो आपका ये एक आपका क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 11,600 एंड 11,500, ये आपका क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सो आप इंट्राडे में मंडे के लिए आप ये डेटा एनालिसिस करके ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करें। ओके, सो दैट इज द निफ्टी एनालिसिस। ना, ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। सो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो फिलहाल ये जो चैनल थी उसमें वो कंसोलिडेट हो रहा था। ओके, ये रेंज में था, ब्रेकआउट किया, डाउन साइड आया, अगेंस्ट ये चैनल में आ रहा है। सो नाउ दिस इज वन चैनल, उसके अंदर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इस चैनल के किसी भी तरफ चांसेस आर वेरी हाई कि वो अपसाइड क्लोज करेगा, लेकिन चैनल की किसी भी तरफ, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,500 अराउंड 22,500। ओके, सो वहाँ तक ये कैंडल के हाई के ऊपर वो वहाँ तक जा सकता है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है दैट इज 22,700 और 800। ओके, ये दो रेजिस्टेंस है, हम आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो 22,470 और 22,740। पोजिशनली आप अगर लॉन्ग है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ये लेवल पे एक बार रिवर्सल देखे तो आप प्रॉफिट बुक्स कर सकते हो। ओके, सो आप बेटर कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चाहिए। आपका टारगेट पहला रेजिस्टेंस है, ओके 22,470, उसको ब्रेक किया तो 22,757 तक वो जा सकते हैं, और उसको भी ब्रेक किया और सस्टेन किया तो वो ये पॉइंट तक जा सकता है 20,227। ओके, वहाँ तक वो जा सकता है, ये एरिया तक वो जा सकता है जहाँ पे एक लोअर शैडो है। ओके, सो वहाँ से आप लुकिंग फॉर रिवर्स साइन, किसी भी लेवल पे आप रिवर्स साइन देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद फर्दर अप मूवमेंट पॉसिबल है, और ये 22,800 और 23,200 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है किसी भी रेंज में। ओके, सो पोजिशनली आप ये एरिया में आप सेल कर सकते हो। ओके, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पोजिशन है तो वहाँ पर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। नाउ डाउन साइड आपका क्या रिस्क स्ट्रिक स्टॉप लॉस रहेगा, दैट इज 21,682, या फिर आप ये भी देख सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट में। लेकिन डाउन साइड अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,450, और उसके बाद है दिस इज 20,500, और ये इन बिटवीन वन एक सपोर्ट है दैट इज 21,000। तो ये तीन लेवल पे कहीं पे भी आपको रिवर्सल साइन मिले तो पोजिशनली आप एक बार बाय करके चल सकते हो 21,200, 21,000 एंड 21,500। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ से आप एक बार बाय करके चल सकते हो। ओके, सो दैट इज द पोजिशनल लेवल फॉर नेक्स्ट वीक। अगर इंट्राडे की बात करें मंडे के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट पे आप क्लियर कट अप मूवमेंट, ये ब्रेकआउट पे एक बार नेक्स्ट लास्ट डे का ब्रेकआउट के बाद उसने
ये हाई बका है। तो आपका ये जो हाई है ना, डेट विल बी नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। सो 21,800 के अराउंड आपको अगर चांस, बाई चांस अगर आपको बाई करने का चांस मिलता, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, या फिर ये कैंडल का लो अगर फर्दर बेरिशनेस है और 21,561। तो ये जो 3 लाइन है और एरिया है वहाँ पे आप बाई करने की एक बार सोच कर सकते हो। ओके नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कंसोलिडेट हो रहा था उसको ब्रेकआउट भी किया है। ओके तो ये यहाँ तक जा सकता है, ये लाइन तक। ओके सो इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है, सो पहला होगा टारगेट मेरा 22,400, 22,500, यहाँ तक वो जा सकता है मंडे। ओके और अगर अच्छा रहा तो 22,600 तक की वो जा सकता है। नाउ डाउनसाइड यहाँ पे एक बार देखो, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे आके वापस अपसाइड पॉसिबल है। ओके सो लेट्स सी मंडे गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, क्या होता है उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। ओके अगर ये भी आप देख सकते हो, अगर ये तीनों ब्रेकआउट हुआ है तो ये एक सपोर्ट है अराउंड 21,130। ओके बट आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपको बाय करना है। ये जैसे मैंने पैमा ओपन किया है, तो पैमा में कभी भी बैंक निफ्टी बुलिश था पूरे दिन, वो पैमा के नज़दीक नहीं आया। ओके सो अगर ओपनिंग में भी आपने बाय किया होगा 21,953 पे, तो भी आपको आराम से एट द एंड ऑफ द डे अराउंड 300-350 पॉइंट आपको मिल गए बैंक निफ्टी में। ओके सो इट्स अ गुड ट्रेड ऑन अ फ्राइडे, अगर आपको, सॉरी, ऑन अ थर्सडे। ओके सो आपको अच्छा ट्रेड मिला होगा, देन यू कैन गो फॉर। ओके सो दिस इज जस्ट द बैंक निफ्टी लेवल फॉर नेक्स्ट वीक। ये मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा ओपन किया है, जस्ट सी सबसे ज्यादा पुट राइटर कहाँ पे है अभी, दैट इज 10,22,000 पे है और 22,200 पे है। सो पुट शिफ्ट हुई है आज, ओआई चेंज, अब आप देख सकते हो थर्सडे को ये सब ऐड हुए है। ओके सो ये पॉजिटिव साइन है, सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ दिस एरिया। ओके और आप अगर फॉल राइटर देखे तो सबसे ज्यादा अभी कहाँ पे है, दैट इज अराउंड 20,500 पे है, और उसके बाद सीधा यहाँ पे है 23,000 पे। इन बिटवीन यहाँ पे वेरी लेस राइटिंग है। ओके लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 400 पे, 500 पे, 10-10 लाख है अराउंड। ओके अगर उसके ऊपर सस्टेन किया तो ये सब शॉर्ट कवरिंग आएगी और फर्दर बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं। ओके सो आप ये लेवल माइंड में रख के आप ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। सो दिस इज द सिंपल बैंक निफ्टी लेवल एनालिसिस यूजिंग ऑप्शन चेन डेटा एंड यूजिंग चार्ट पैटर्न। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू।